दोस्तों आईपीएल साल 2021 के सीज़न की अगर बात करें तो फेज़ टू को उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत ही कम दिन फेज़ टू के लिए बाकी है। दोस्तों गिन लीजिए कितने कम दिन आईपीएल के फेज़ टू के लिए बाकी है। सभी आईपीएल टीमों की तरफ से लगातार रोज काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही है। प्रैक्टिस कैंप भी ऑलमोस्ट सभी के शुरुआत हो चुकी है और सभी 8वीं आईपीएल फ्रेंचाइजी के फैंस अपनी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम केकेआर की, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। टॉप अपडेट्स आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो क्या फायदा और क्या नुकसान इन अपडेट्स के चलते केकेआर की टीम को होने वाला है आज की वीडियो में। मैं आपको टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स बताने वाला हूं जो कि दिन भर में बाहर निकल के आई है। तो दोस्तों वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बात करें तो यहाँ दोस्तों लगातार रोज काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं। ढेरों अपडेट्स हम भी आपको हमारी वीडियोस के थ्रू देते आ रहे हैं। दोस्तों आपके लिए एक नई स्पेशल वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि उस स्पेशल वीडियो का टॉपिक आप क्या गैस कर पाएंगे, किससे होगी वो स्पेशल वीडियो रिलेटेड। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है ओवरसीज प्लेयर्स को लेकर। दोस्तों हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में काफ़ी सारे यहाँ आपको बता चुके हैं क्या क्या यहाँ पर दोस्तों समीकरण है वो हो सकता है ओवरसीज खिलाड़ियों को लेकर, और बाकी सारे जो भी चैनल्स हैं वो भी दोस्तों हमारी इस न्यूज़ को कॉपी करते हुए तरह तरह के ओवरसीज खिलाड़ियों के ऊपर न्यूज़ बना रहे हैं केकेआर को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ काफ़ी सारी डिफिकल्टीज़ ओवरसीज खिलाड़ियों को लेकर आने वाली है, जैसा कि आप सभी जानते ही हो। यहाँ इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ओवरसीज खिलाड़ी केकेआर के अंदर मौजूद हैं। आयन मॉर्गन, आंद्रे रसल, लॉकी फर्गसन, बैन कटिंग, सुनील नारायण, शाकिब अल हसन और टिम यानी टिम सैफर्ट और टिम साउथी की जोड़ी। दोस्तों इसमें से दो आप सभी जानते हो फिक्स है, मॉर्गन और रसल। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि 99% चांसेस है बचे हुए दो खिलाड़ियों के, 100% किसी का भी चांस नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो 99% दो ही खिलाड़ियों के चांस है, और दोनों ही खिलाड़ी हैं, एक है बैन कटिंग और एक है लॉकी फर्गसन। लॉकी फर्गसन इसलिए क्योंकि दोस्तों केकेआर के पास कोई भी ओवरसीज फास्ट बॉलर नहीं रह गया है, इसलिए लॉकी फर्गसन में ही बैन कटिंग को खिलाने का ये जो है कि एक छट्टा उनके पास विकल्प हो जाएगा गेंदबाजी के लिए, और बैटिंग के अंदर भी वो लोअर ऑर्डर के अंदर आंद्रे रसल को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग बचे हुए दो ओवरसीज खिलाड़ी कौन से होने चाहिए। दूसरी अपडेट आ रही है दिनेश कार्तिक को लेकर। यहाँ दोस्तों स्क्वाड के साथ केकेआर के यहाँ पर यूएई नहीं पहुंचे थे, उसके बाद पहुंचे थे, बट अब यूएई के अंदर जाकर अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म कर चुके हैं दिनेश कार्तिक, और अब फाइनली केकेआर के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन भी कर चुके हैं। रिसेंटली पिक्चर्स भी पोस्ट की है यहाँ पर, वीडियोज भी पोस्ट की है केकेआर ने, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। इसके अलावा दोस्तों हम काफी सारी वीडियोज आपके लिए लेकर आने वाले हैं केकेआर के 2021 प्रैक्टिस कैंप यूएई से लेकर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है दिनेश कार्तिक यहाँ साल 2021 के अंदर काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे यूएई के अंदर। तीसरी अपडेट आ रही है शुभमन गिल को लेकर। दोस्तों शुभमन गिल का यहाँ रिसेंटली इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर किए, जहाँ आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर काफ़ी सारे फैंस जो हमारी वीडियो के थ्रू अपडेट रहते हैं वो ये इंटरव्यू की क्लिप में डाल दूंगा, पर काफ़ी सारे फैंस का ही सवाल था कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है या कहीं ना कहीं ना वो प्रैक्टिस कैंप की वीडियो देख पा रहे हैं, उनसे मिस हो रही है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी इंडिया और इंग्लैंड की जो मैच चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, बट इसके अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जो नोटिफिकेशन थी वो मिस हो रही थी। इसके अलावा दोस्तों आज मैं वो क्लिप आप सभी के लिए ला दूंगा, तो आप उस क्लिप के लिए वेट करना और उस क्लिप को जरूर देखना। तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि शुभमन गिल यहां पर आप सभी के अकॉर्डिंग क्या है, उनको ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी टीम के कह के दिन भर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।